और दान से विशेष लाभ क्या होता है, विधि क्या है, ये जानकारी देंगे आचार्य जी। क्या कुछ बताने वाले हैं आप? बिल्कुल कंचन जी, नवग्रह जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपका जो जन्मांक है, आपकी जन्म पत्रिका है, उसके अंदर नौ ग्रह कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव के अंदर कोई ना कोई युति बनाकर बैठे होते हैं। किसी भाव की दशा चल रही होती है, किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा। यहां पर मार्केश को भी हम काउंट करेंगे, छठे आठवें बारहवें घर की दशा को भी काउंट करेंगे, और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इन ग्रहों के दान देने से आपको हर प्रकार की शांति मिलती है, रोग में, ऋण में, और आपके जो शत्रु हैं उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। लेकिन ये जो दान है ये कैसे किया जाए और किस ग्रह का क्या सटीक दान होना चाहिए, बहुत हम आपको आज खास जानकारी देने वाले हैं। और आज आपको हम बता दें कि अपनी माताओं बहनों के लिए आंतरिक कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन खाई अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, लेकिन वो दूर नहीं हो पाई। इसके निमित्त आपसे हैं हम में, आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनकी आंतरिक कमजोरी कैसे दूर होने वाली है। बहुत सटीक प्रयोग है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अंदरूनी कमजोरी को दूर करेगा आज का खास प्रयोग जो हम आपको बताएंगे आगे आपसे हैं हम में। लेकिन इसके अलावा आपका सीक्रेट नंबर भी आपका इंतजार करना है, जिसे आपको सीक्रेट रखना होता है। ये मूलांक के अनुसार आपको नंबर हम आगे देने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आप मानसिक सुकून भी महसूस करेंगे और साथ ही साथ आपके जो पाप है, कष्ट है, वो कट जाएंगे। मित्रों, आज की महादिव्य स्तुति हम आपको बताएं भगवान श्री गणेश को समर्पित है। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी ग्रह की पूजा हो या दान हो, उससे पहले भगवान श्री गणेश का ही ध्यान किया जाता है। आज का हमारा विषय भी यही है, नवग्रह और उनका दान। लेकिन इस महादिव्य स्तुति को आप श्रवण कीजिएगा, उसके बाद आप लिखना आरंभ करिएगा कि क्या ग्रहों का कौन कौन सा दान आपको करना है। तो आंखें अपनी मूंदिएगा और ध्यान करिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार इस स्तुति को सुनने मात्र से आपके कष्ट कलेश बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और इस प्रकार आप जो इस स्तुति को हर कार्य से पहले आप जो है इसको ध्यान में लाइएगा, इसका श्रवण कर लीजिएगा, आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। जी हाँ, तो दान से जुड़ी हुई विशेष जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। नौ ग्रह हैं और नौ ग्रहों की अगर शांति आप चाहते हैं, उनकी अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं ये ग्रह आपके अनुकूल चले और आपको लाभ पहुंचाएं, तो इसके लिए जानकारी हम आपको आगे देंगे। लेकिन बेगूसराय से हमारे साथ बबीता जुड़ी है। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बबीता जी, जी मेरा बेटा का नाम सूरज कुमार है। जी, जन्म की तारीख और जन्म तारीख 31 मई 1998। जी, और टाइम है आपको शाम में 5:30 बजे। और प्लेस? प्लेस हो गया बरियाही, मधेपुरा जन्म स्थान। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम बोलना चाहती हूँ। प्रणाम, श्री राधे, श्री राधे जी। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार जी, मैं अपने बेटे के बारे में ये जानना चाहती हूँ, जो वो मेडिकल का तैयारी कर रहा है जी, और क्या उसका क्लियर हो जाएगा, और इसमें गुरु जी कोई बताए हैं जो बहुत सा दोष है जी। जी देखिए, आज का हमारा विषय भी यही है कि जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है उसके निमित्त हम क्या दान करें, ये आप जान लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, आप अपने इस विषय के अंदर जो आपने हमसे प्रश्न पूछा है, अपने संशय को बिल्कुल दूर कर दीजिएगा और अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा कि वो जिस कार्य के निमित्त, जिस एग्जाम को वो देने जा रहे हैं, उसमें वो बिल्कुल सक्सेस हो। यहां आपको करना क्या है, यहां अपने पुत्र से कहिएगा एक तांबे का पात्र लें, उसके अंदर हो सके तो गुड़ और गंगा जल और जल, ये तीनों चीजें मिला लें और भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए भगवान श्री सूर्य को अर्घ्य दें। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, सूर्य को यहां पर बल देना बहुत जरूरी है। जन्मांक के अंदर जो है सूर्य बहुत अच्छी अवस्था के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारा जो विषय है वो दान का विषय है। आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि सूर्य के निमित्त आपको क्या क्या दान करना है। जी हाँ, तो चलिए अपने विषय पर भी आई जाते हैं। नौ ग्रह हैं, ये अपनी चाल चलन
इनके फेर में, इनके चाल में आप भी चलते हैं, यानी कि ग्रह ही आपको जो है अपने अनुसार चलवाते हैं। अगर ग्रह कमजोर है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ता है, और अगर यही मजबूत स्थिति में बैठे हों तो आप क्या से क्या बन जाते हैं, लाभ ही लाभ आप प्राप्त करते हैं। बात की जाए आचार्य जी सूर्य ग्रह के बारे में, अभी आप बता भी रहे थे बबीता जी के बेटे के बारे में सूर्य ग्रह को लेकर के, तो सूर्य ग्रह और चंद्र ये दोनों ही ग्रहों की अगर हम बात करें तो इनकी शांति के लिए, इनकी मजबूती प्राप्त करने के लिए क्या किन चीजों का दान किया जाना चाहिए और लाभ क्या कुछ होता है ये भी बताएं। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें दर्शकों की सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राजसी ग्रह हैं। चंद्रमा के आधार पर आपका जन्मांक तैयार किया जाता है। सबसे पहले बताएंगे हम आपको सूर्यदेव के बारे में, सूर्यदेव के निमित्त आपको क्या क्या दान करना होता है जब इसकी महादशा अंतरदशा चल रही हो, कि आपको गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और तांबे का पात्र, लाल फूल, ये सारी चीजें जो है भगवान सूर्य को शांति के लिए आप जो है दान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की यहां से जो है शुभता आपको मिलने लग जाती है। लेकिन इस ग्रह के दान से होता क्या है, ये हड्डी रोग और हृदय रोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसमें भी बहुत काम आता है। इसके दान से आपको सरकारी नौकरी में विशेष तौर पर लाभ मिल जाता है और उसकी संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। लेकिन हड्डी रोग और हृदय रोग में सूर्य का बहुत मेन पार्ट रहता है, तो इसके निमित्त आप दान कर सकते हैं और पिता से संबंध इस दान को करने के बाद बेहतर हो जाते हैं। अब आपको बताएं चंद्रदेव के बारे में, चंद्रमा जो कि माता और मन का और चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है, इसके निमित्त चावल, कच्चा दूध, आटा, जल और सफेद चंदन, इस चीज को दान किया जाता है। इससे चंद्रमा आपके जन्मांक के अंदर काफी हद तक बली हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, लाभ क्या आप प्राप्त करेंगे ये दान के बाद, ऐसे में आपको हम बता दें कि मानसिक रोग जो है वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और धन जो कि चंद्रमा धन का कारक भी माना जाता है, धन जो है आपको लाभ काफी होने लग जाता है, धन जो आपका रुक नहीं पा रहा था बिल्कुल वो भी रुकेगा, और माता से व्यवहार जो है आपका पहले से मधुर हो जाता है, और साथ ही साथ आपके अपने मन पर, स्वयं के मन पर जो है नियंत्रण पहले से बेहतर हो जाता है। मात्र इतना सा दान है, करके देखिए, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, बात करेंगे आगे मंगल और बुध ग्रह के बारे में भी, कि इनके लिए, इनकी शांति के लिए कौन सी चीजों का दान होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं। मेरा नाम किरण जी है, मैं खमगांव से बात कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा, महाराष्ट्र। जी किरण जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर बनी है आप। थैंक यू, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जी कब से रहा देख रही थी कि कब नंबर लगेगा अपना करके। जी जी, और मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम है अनुराग, डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 86। जी समय और टाइम है 9:51 AM। जी और प्लेस सुबह का। जी और जन्म स्थान है खामगांव, डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा। बुलढाणा जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? मेरा पहला सवाल है उसकी शादी कब तक होगी, क्योंकि बहुत पूजा पाठ हो गई है जी, और कौन से दिशा की लड़की होंगी पक्का बताइए। और दूसरा प्रश्न है उसको अभी टेम्पररी जॉब लगा है पीटीआई करके कॉलेज पे, तो परमानेंट कब होगा और उसका आगे का जीवन वैवाहिक कैसा रहेगा? जी देखिए बता दें आपको कि बिल्कुल जो हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे बिल्कुल आपको पक्का ही जवाब देंगे, निश्चिंत रहिएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। यहाँ सप्तम भाव पीड़ित होने की वजह से उनके विवाह के अंदर थोड़ा सा विलंब 5:15 से 7:15 रत्ती तक का, हो सके तो उनको एक ओपल धारण कराइएगा, और 700 ग्राम ज्वार इनके हाथ से किसी भी गौशाला के अंदर दान करना आरंभ करिए। ये दान आपको शुक्रवार के दिन करना है, अपने सुपुत्र श्री से कहिएगा कि ये वो दान करना आरंभ कर दें, और आगे आने वाले दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई इनको परेशानी ना हो इसके निमित्त भगवान शिव की इनको आराधना करनी है। लेकिन करना क्या है, बहुत छोटी सी आराधना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, हो सके तो चावल वहां पर दान करके आना है, मात्र इतना सा उपाय हर तरीके का लाभ देगा, और आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ओपल जरूर धारण करिएगा। जी हाँ,
और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि किसी एक जगह पर आकर के आपकी सोच रुक जाती है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज दिन में कोई ऐसी चीज घटी जिसको लेकर के आप बार बार सोचते जा रहे हैं, ऐसा हो जाना कहीं ना कहीं आपके जो आप चीजें सोच रहे होते हैं उनसे भी आपका भटकाव हो जाता है। क्यों ऐसा होता है कि एक जगह पर आके आपकी सोच रुक जाती है, विस्तार से जानकारी देंगे और उपाय भी बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं दान के विषय के बारे में। ग्रहों को शांत करना चाहते हैं कि यही ग्रह जो हैं आपके शुभ हो जाएं और आपके लिए शुभता का प्रतीक बने, आपको लाभ पहुंचाएं, तो इनके लिए आपको दान करना जरूरी होता है। तो अगर हम बात करें आचार्य जी मंगल ग्रह के बारे में और साथ ही साथ बुध ग्रह के बारे में, मंगल की शांति और बुध की शांति के लिए किन चीजों का दान किया जाता है और लाभ जो है क्या होगा ये भी बताएं। बिल्कुल, सभी दर्शकों को हम बता दें मंगल आपकी जन्मांक के अंदर तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव का कारक माना जाता है। लेकिन मंगल ग्रह की शुभता के लिए आपको क्या दान करना है, मंगल की महादशा अंतरदशा आपको परेशान कर रही है, तो इसके निमित्त आप दान करिएगा। लाल मसूर, लाल चंदन, मूंगा रत्न जो है यहां पर आप दान कर सकते हैं और लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। इस सामग्री को आप नोट कर लीजिएगा। और ग्रह की शांति के लिए ये बिल्कुल दान किए जाते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और ऐसा करने से क्या लाभ होता है ये आप जानिए। यदि आपके शरीर के अंदर रक्त की कमी हो गई है, एनेमिक है आप, तो इसका दान आप कर सकते हैं। और पराक्रम में बहुत ज्यादा वृद्धि इससे हो जाती है और अकारण भय जो फोबिया है वो आपको रहता है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। कितना आसान रहेगा ये दान करने से और लाभ भी आपको अवश्य होगा। बताएं आपको बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह आपके मस्तिष्क का कारक माना जाता है, वाणी का भी कारक इसको मानते हैं। लेकिन इसके निमित्त आपको क्या दान करना है ये आप जान लीजिए। हरी मूंग, पालक, हरी सब्जी, घी और फूल का दान करने से आपको हर प्रकार की बुध ग्रह से होने वाले जो परेशानी हो रही थी उससे शांति मिल जाती है। इसके करने से लाभ क्या होगा ये जानिए आप। इसके करने से आपको व्यापारिक लाभ हो जाता है। जो व्यापारिक भाई हैं हमारे, व्यापारी बंधु जो हैं, उनको काफी हद तक लाभ मिलता है और दिमागी रोग जो होते हैं उनमें बहुत शांति पड़ जाती है। साथ ही साथ शिक्षा में यदि कोई रुकावट आ रही है, कोई बाधा है या आपका बालक नहीं पढ़ रहा है, तो इस चीज का आप दान कराइएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। जी हाँ।
और चलिए अब जान लेते हैं गुरु और शुक्र ग्रह के बारे में भी। गुरु, शुक्र और शनि भी जोड़ लेंगे हम। इन तीनों ग्रहों की अगर हम बात करें तो इन ग्रहों की मजबूती प्राप्त करने के लिए किन चीजों का दान करें और लाभ क्या कुछ होगा ये भी बताएं। बिल्कुल, जैसा कि माना जाता है गुरु ज्ञान का कारक है। मित्रों, गुरु के निमित्त आपको क्या दान करना है? पीली चने की दाल, पीला वस्त्र, केसर और पीले फूल जो है गुरु ग्रह की शांति के लिए। यदि आपके जन्मांक के अंदर बृहस्पति देव छठे आठवें बारहवें घर में विद्यमान है, महादशा अंतरदशा चल रही है, तो इसके निमित्त आप ये दान करने कर सकते हैं। इसके करने से आपको धन लाभ अवश्य होगा, साथ ही साथ जीवन साथी से मधुर संबंध आपके हो जाएंगे। मोटापे रोग से यदि आप पीड़ित हैं तो वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगा, अज्ञानता अवश्य दूर हो जाएगी। बताएं आपको शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो कि ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, यहां पर इसके निमित्त आपको चांदी, सफेद वस्त्र, दही और कपास, थोड़ा सा रुई और सफेद पुष्प और साथ ही साथ इत्र आपको दान करना होता है। इससे शुक्र की काफी हद तक शांति हो जाती है क्योंकि इसके निमित्त ही ये दान किया जाता है। इसके करने से शादी विवाह के अंदर जो रुकावट आ रही थी, शुक्र जो है शादी विवाह का भी कारक माना जाता है मित्रों, तो वो दूर हो जाती है सारी रुकावटें। संतान उत्पत्ति, यहां पर किसी को संतान अगर नहीं प्राप्त हो रही है ये दान कर सकते हैं। ऐश्वर्य और मधुर दाम्पत्य जीवन के लिए इसका दान किया जाता है। हर प्रकार से आपको सब चीजें बहुत ही सुगमता से प्रदान कर पाते हैं इसके दान करने से शुक्रदेव। बताएं आपको शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, आपकी कुंडली के दशम भाव के भी कारक हैं, ये दान आपको अवश्य करना चाहिए। इसके निमित्त आपको क्या दान करना है जाने आप। लोहा, काली उड़द, काला कपड़ा और सरसों का तेल, ये आपको चीजें आपको दान करनी है। इसके दान करने से शनिदेव की कृपा विशेष आपको प्राप्त हो जाती है और इसके करने से आपको नौकरी प्राप्ति के अंदर यदि कोई बाधा आ रही थी बिल्कुल दूर हो जाएगी। लंबी बीमारियां जो बड़ा जूझ रहे थे आप काफी समय से, लंबी बीमारियों से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के आप थक गए, इस दान को करिए, शनिदेव की कृपा अवश्य मिलेगी। जी हाँ, और अब हम एक मेल पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप भी मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी समय फ्लैश हो रही है kaltu.30pm@liveindia.tv, ये हमारे दोपहर के शो की मेल आईडी है। और जिनकी कुंडली हमारे पास आई है इनका नाम है हर्ष जी, 14/3/2003 डेट ऑफ बर्थ है, 12:22 PM कैथल बर्थ प्लेस है। ये अपने भविष्य के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या ये मांगलिक है। जी बिल्कुल बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मिथुन लग्न का जन्मांक यहां पर बन जाता है, बिल्कुल ये पूर्ण रूप से मांगलिक है। धनु राशि के अंदर मंगल इनका सप्तम भाव के अंदर, शनि में राहु की अंतरदशा। देखिए थोड़ा सा भटकाव तो इस समय कुंडली के अंदर है, थोड़ा सा संयम रखिएगा, हो सके तो सात अनाज जो कि हम आगे अभी आपको बताने वाले भी हैं राहु के निमित्त जो दान करना है उसे आप नोट करिएगा, वो दान भी करिएगा और हो सके तो 5:15 से 7:15 रत्ती तक का एक गोमेद अवश्य धारण करिएगा जी। और अब बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की, तो सभी के सभी अपने मूलांक के अनुसार अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए नोट कीजिए अपना अपना सीक्रेट नंबर। मित्रों आज का हमारा विषय दान से संबंधित है, वो दान तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ ये सीक्रेट नंबर आप अपने पास रखेंगे तो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति आपकी अवश्य होगी। मूलांक अनुसार आज हम आपको बता दें सीक्रेट नंबर मूलांक एक का, मूलांक एक वाले नोट करेंगे 42 यानी 42 नंबर को और मूलांक दो वाले नोट करेंगे 11 नंबर को। बारी आ गई है मूलांक तीन की, एक नंबर नोट करें सीक्रेट नंबर पर, मूलांक चार वाले नोट करें 89 यानी कि 89 नंबर, मूलांक पांच वाले नोट करें 13 नंबर को, मूलांक पांच की बारी आ चुकी है 13 नंबर नोट कर लें अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, और मूलांक 17 नंबर नोट करें सीक्रेट नंबर पर, मूलांक 7 43 यानी कि 43 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर, और मूलांक 8 62 यानी कि 62 नंबर लिख लें, और मूलांक 9 27 27 नंबर है बहुत खास सीक्रेट नंबर। इसको आपने बिल्कुल सीक्रेट रखना है मित्रों। प्रयोग विधि आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम आज दान से संबंधित बता रहे हैं। आप कोई भी सात अनाज लीजिएगा, एक पेपर लीजिएगा, उसको अपने मूलांक के जो सीक्रेट नंबर है उस पर लिख लीजिएगा और उसे सात तरह के अनाज के अंदर रख दीजिएगा, लेकिन इसको छुपा के रखिएगा, लाभ तो अरित दिखाई देगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे उन दो ग्रहों के बारे में जो कि छाया ग्रह हैं, यानी कि राहु केतु। राहु केतु की शांति के लिए किन चीजों का आप दान करें और साथ ही साथ दान करने से क्या कुछ लाभ होगा, आइए आपको बताते हैं जी।
मित्रों राहु ग्रह के बारे में हम आपको बता दें कि राहु ग्रह जब यदि और केतु ग्रह यदि पीड़ित हो जाए आपके जन्मांक में तो बहुत पीड़ा होती है, कहीं से कहीं आपको पहुंचा देता है राहु और केतु। लेकिन राहु के निमित्त आपको क्या दान करना है जिससे कि राहु ग्रह की पीड़ा आपको परेशान ना कर पाए। राहु के निमित्त आपको नीलक वस्त्र दान करना होता है, गोमेद जो कि राहु का रत्न माना जाता है, कंबल, राई और 7 तरह के अनाज आपको दान करने होते हैं जिससे कि राहु ग्रह की शांति हो जाती है। इसको आप बिल्कुल करिएगा यदि जन्मांक के अंदर राहु की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रतंत्र दशा हो। इस दान के करने से आपके हर कार्य की जो अड़चन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और रोगों से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही साथ मानसिक रोग जो अवसाद थे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। अब बताएं आपको केतु ग्रह, वो भी छाया ग्रह है, इसके करने से क्या आपको लाभ मिलेगा। काजल दान करिएगा मित्रों, ऊनी वस्त्र, झंडा, तिल, ये दान करने से आपको केतु ग्रह में बहुत ज्यादा शांति दिखाई देगी। आप देखेंगे कि यदि राशि से छठे, आठवें, बारहवें घर में केतु ग्रह का गोचर है तो आपको परेशानी हो रही थी, अब बिल्कुल नहीं होने वाली। इसके दान करने से क्या होगा, हर कार्य में आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी, रोगों की समाप्ति हो जाएगी और अचानक धन की प्राप्ति आपको बिल्कुल होगी। इस उपाय को करिएगा, देखिएगा आज हमने जो नवग्रह सूर्य से लेकर केतु तक आपको नौ ग्रहों का दान बताया। फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा मित्रों कल 2:30 PM @liveindia.tv पर। जी हाँ, और अब बारी आ गई है महिलाओं की सेहत के बारे में बात करने की। आपसे हैं हमने जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। आपकी सेहत, इसमें हम माताओं बहनों के लिए उनकी आंतरिक कमजोरी को आज बिल्कुल दूर करने वाले हैं। इस शो के बाद आप इस प्रयोग को करिएगा, लाभ आपको त्वरित दिखाई देगा। एक गिलास पानी के अंदर आपको एक मुट्ठी चने भिगोने हैं और थोड़ी देर बाद जब ये भीग जाएं, इसे आप रात भर भी भिगो सकती हैं, लेकिन आपको लगे कि ये भीग चुके हैं उसके बाद आप इसको उबालकर हल्का सा इसमें नमक मिलाइएगा और इसका सेवन करिएगा। मात्र कुछ दिन का सेवन, देखेंगे आपके अंदर एक शक्ति का जो है प्रवाह होने लगेगा और आपकी आंतरिक कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी, और कमल जीत जुड़े हैं हमारे साथ। जी स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। कमल जीत जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम एक मेल पर जरूर चर्चा करेंगे। आप भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है और जिनकी मेल हमारे पास आई है इनका नाम है हितेशी जी। डेट ऑफ बर्थ इनकी 14/11/94, 10 PM बड़ौदा, गुजरात। जानना चाहते हैं कि क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है और मिलेगी तो कब। जी बिल्कुल बता देते हैं, देखिए सरकारी नौकरी से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले हम दशम भाव देखेंगे, सूर्य देखेंगे और दशमेश की स्थिति देखेंगे। यहाँ पर दशमेश की स्थिति पहले से बेहतर हो जाए और आपको सरकारी नौकरी मिले, इसके निमित्त आपको क्या करना है। देखिए आप नेत्रहीन लोगों की और जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करना आरंभ करिए और हो सके तो अपने पिता के चरण स्पर्श करिएगा, साथ ही साथ अपने माता का सम्मान करना आप आरंभ कर दीजिए। चंद्रमा यहां पर पीड़ित होने की वजह से आप अपने संबंध जो है माता से पहले बेहतर बनाइएगा, अपने पिता का सम्मान करना आरंभ करिएगा, देखिएगा आपकी सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपने बहुत सारी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे धन्यवाद। और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी संतान शादी योग्य हो चुकी है और शादी नहीं हो पा रही है तो घर की दिशाओं पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि खास दिशा का प्रयोग करने से आपको जो है आपकी संतान का शीघ्र विवाह हो सकता है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत रुपए 1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर सर्वे नंबर 311/18 जनसेवा बैंक के सामने न्यू डीपी रोड ससानी नगर हड़पसर पुणे 411028 ईमेल kisancoop@gmail.com। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है? भैया अब जब बाद बाद में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं समझदारी बढ़ेगी, जल है तो कल है। जब अपने ही देश में उठने लगे दूसरे देशों की आवाजें और अपने खड़े देखते रहें, पर ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का, कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। श्री श्री के कार्यक्रम पर राज्यसभा में हंगामा, शरद यादव का बयान, कहा तत्काल कार्यक्रम बंद करे सरकार, सेना के पुल बनाने पर सीताराम येचुरी ने उठाए सवाल, कार्यक्रम पर एनजीटी आज सुनाएगा फैसला। जाट आंदोलन पर राजनाथ सिंह का बयान, राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई कोई चूक, हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार, पूरे मामले की जांच जारी। 350 करोड़ रुपए एग्जेम्पशन, इसमें दाल और सब्जी में
क्या हम उसका विरोध करेंगे? 5800 करोड़ रुपया एग्जेम्पशन किसके लिए? चीनी के लिए। शरद रावत के बगल में बैठे शास्त्र समझा देंगे आपको। 19120 करोड़ रुपये एग्जेम्पशन किसके लिए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उनके उद्योगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। क्या हम उसका भी विरोध करेंगे क्या? मैं समझता हूं कि कभी कभार बारीकियों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो जिन बातों को लेकर के आपको चिंता हो रही है, यही सरकार है। कल अरुण जी ने बड़े विस्तार से बताया और फाइनेंस की चर्चा होगी तो बताएंगे कि हमने टैक्स किस पर लगा रहे हैं और टैक्स से मुक्ति किसको दे रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसके लिए और जो चीजें हमें विरासत में दी हैं, कभी आपने बाहर से समर्थन करके